अलवरगढ़ थाना अंतर्गत मदार आम का तालाब इलाके में रहने वाली एक महिला को गृह शांति के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाले कथित ढोंगी बाबा को अलवरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी शांति भंग कर दी। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता आम का तालाब निवासी सुंदर जैन ने पिछले महीने थाने में पेश होकर मेरठ निवासी मोहम्मद उस्मान के खिलाफ गृह शांति की पूजा करवाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपी मोहम्मद उस्मान के मोबाइल नंबर को ट्रेसिंग पर लगाकर उसकी तलाश शुरू की गई और आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे मंगलवार को न्यायालय में पेश कर चार दिन का रिमांड लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान पीड़िता से ठगे गए नगदी व जेवरात बरामद करने का प्रयास करेगी, साथ ही पता लगाएगी कि आरोपी ने और किस किस को झांसे में लेकर ठगा है। आम का तालाब के रहने वाली इन्होंने एक मुकदमा करवाया कि मैंने अखबार के अंदर एक ऐड पढ़ा था, घर में गृह शांति करवाइए और गृह क्लेश से मुक्ति पाइए। इसमें इनके घटनाक्रम का यह था कि बाबा जो इसने पेपर में ऐड दिया और इनके कहने के ऊपर संपर्क किया इन्होंने परिवादियों ने उनसे और इनके अकाउंट में पैसे जमा करवाए। पैसे जमा करवाने के ऊपर ही बाबा इनके घर में पूजा करने के लिए आए और धोखाधड़ी करके इनसे जेवर ले गए। जब इनके घर में शांति नहीं हुई तो दोबारा इन्होंने संपर्क किया, दोबारा उसके अकाउंट में पैसे वैसे जमा करवाए और फिर दोबारा बाबा इनके घर में पूजा करने फिर धोखाधड़ी करके और जेवर इनसे ले गए। इस पर ही मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर कार्रवाई की गई, श्रीमान ने निर्देश फरमाए और उसी हिसाब से कार्रवाई करके इनके मोबाइल ट्रैकिंग के ऊपर काम किया और एक स्पेशल टीम मेरठ भेजी जाकर वहाँ से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और अब इसका पीसी रिमांड लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कौन है, कहाँ रहता है और उसके पूर्व में या मुकदमा नहीं, हमारे थाने में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। मोहम्मद उस्मान है आरोपी और मेरठ का रहने वाला है। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान सोमवार देर रात अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस ने 3 शराब तस्करों को विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 44 बोतल सहित गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को तीनों शराब तस्करों को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जीआरपी थाने के एएसआई हरिश्चंद्र ने बताया कि सोमवार रात 12:15 बजे प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी बरेली एक्सप्रेस में गश्त कर रहे सिपाही जोगेंद्र और जनक सिंह को 3 युवकों पर संदेह हुआ, जिनकी तलाशी लेने पर 3 बड़े बैगों में 44 विभिन्न ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे हरियाणा से इस शराब को गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह और जनक सिंह दोनों थाना आजा से गश्त में किशनगढ़ से ट्रेन बरेली एक्सप्रेस में आ रहे थे, बरेली भुज में। तो ये ट्रेन चेक करते हुए आए तो S2 में 3 शख्स मिले जिनके पास में 3 बैगों में अलग अलग शराब अंग्रेजी जो हरियाणा ब्रांड है वो रखी हुई थी, जो 3X रम है एक तो और दूसरी एक और है उसका नाम मैजिक मूवमेंट है। कुल 44 बोतल है। मुलजिम है परवीन भाई ग्राम गड़िया और विजय ग्राम गड़िया और परवीन ग्राम गड़िया, तीनों ही मुलजिम यहाँ के गुजरात के है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। ये यहाँ से गुड़गांव हरियाणा से खरीद कर अपने गुजरात में ले जाके बेचने का धंधा करते हैं। तीनों को रात को गिरफ्तार कर लिया है और आज न्यायालय में पेश किया और 2 का इनका पीसी रिमांड प्राप्त किया है, आगे अनुसंधान जारी है।